यहाँ पर एक पैरेट फिश है। पैरेट फिश? और बाकी सारे जो भी आप यहाँ पर जो कोरल्स देख रहे हैं, जो लाइट ब्राउन कलर में है, डार्क ब्राउन कलर में है, और इस टाइप के जो कोरल्स होते हैं, ये कुछ पर्पल कलर में भी होते हैं, इस टाइप के कोरल्स को स्पॉटेड ब्रेन कोरल्स कहते हैं। यहाँ पर आप ये जो भी कोरल्स देख रहे हैं, ये सारे स्पॉटेड ब्रेन कोरल्स हैं यहाँ। और इस टाइप के कोरल्स का फॉर्मेशन किनारे के 3 मीटर से लेकर गहराई पर 10 या 15 मीटर तक फॉर्म होती है, जहाँ तक सनलाइट सी बेड तक पहुँचती है। क्योंकि दुनिया में जो है कोरल ही एक ऐसा यूनिक एनिमल होता है जिनमें दोनों तरह का सेल होता है। इन कोरल्स में जो है प्लांट सेल भी होते हैं, एनिमल सेल भी होते हैं, ये दोनों का कॉम्बो होता है। प्लांट सेल फ्लावर कोरल, प्लांट सेल होने की वजह से क्या है, इन्हें सनलाइट बहुत ही नेसेसरी होता है। विदाउट सनलाइट ये कोरल सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ पर एक बटरफ्लाई फिश है येलो एंड सिल्वर कलर, अच्छा सर गोल सर, यहाँ पर भी बटरफ्लाई फिश येलो एंड ब्लैक कलर। और यहाँ पर वो सारे कोरल्स और आप यहाँ पर ये जो भी देख रहे हैं, वहाँ पर एक मॉरी शैडल फिश ब्लैक एंड येलो लॉन्ग टेल, यहाँ पर एक ब्रेन को रहते हैं, ब्रेन जैसा गोल है, यहाँ पर ब्रेन जैसा बना जो भी आपको पत्थर की तरह जो भी दिख रहा है सर, ये सब कोरल्स यूज किया वैसे जैसे जो चिनक आप टच कर सकते हैं, आप इसको बस सेवा सब करेंगे तो उसमें आप टच कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो भी और ये जो देखिए कोरल्स के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो सेल जो होता है सीपी, वो भी फॉर्म हो रहे हैं, ऑइस सेल जिसके अंदर पॉल फॉर्म होता है ना, मोती जिसमें बनती है, बट कोरल्स का जो है अलग अलग, कोरल्स का अलग अलग नाम होता है, सबका जो है उनके कलर के हिसाब से, उनके शेप के हिसाब से इसका नेम होता है। अरे ये कितना गंभीर में है, 5.9 मीटर, 16 फीट, 16 फीट, 95 नहीं है, ये एक कॉन के ब्लेंस है, जिसमें आपको जो है वहाँ पर एक सी कुकुम्बर है, देखिए व्हाइट कलर में एक एनिमल है, वहाँ पर देखिए ब्लू कलर के फिश है, ये आजकल के एनिमेटेड मूवीज में आते हैं, फाइंडिंग डोरी, फाइंडिंग नेमो। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू कलर में निकले, यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर और वो ब्राउन कलर में भी है, यहाँ पर भी देखिए इसके ऊपर आप कलर चेंजिंग देख सकते हैं, ब्लू एंड ब्राउन कलर, ये कलर चेंज हो रहे हैं। ये फाइव कोरल्स है, इसका नाम है, ये ब्रेन कोरल है, वहाँ पर देखिए ब्रेन जैसा। यहाँ पर एक लॉबस्टर है, एंटीना दिख रहा है व्हाइट कलर का, तो इसके नीचे लॉबस्टर है, टाइगर प्रॉन, लॉबस्टर बोलते हैं। यहाँ पर भी है डोरी फिश ब्लू कलर में, और ये जो व्हाइट सरफेस दिख रही है सारे सैंड, सब प्योर व्हाइट सैंड सी बेड, वहाँ पर भी एक सी कुकुम्बर है, देखिए यू शेप में व्हाइट कलर, वहाँ पर भी है लंबी सी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं खाते हैं थाईलैंड, बर्मा वगैरह,
यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। ये सब सैंड जो भी व्हाइट सरफेस है सब सैंड है, सी बेड है, ये सी का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर ये देखिए बटरफ्लाई फिश, अभी देखिए येलो एंड सिल्वर कलर कौन सा है, ये बटरफ्लाई वहाँ पर भी है सी की फिश। ये सारे टूरिस्ट के नीचे में रहते हैं, इसके साइड में देखिए उनका होम होता है, जाने का रास्ता होता है, इसके नीचे नीचे वो फ्लावर को ये सारे वहाँ पर टाइगर फिश है, वहाँ पर देखिए दो बटरफ्लाई फिश ये ब्लैक मार्लिन मार्लिन फिश है, ब्लैक मार्लिन। यहाँ पर फ्लावर को रख देखिए व्हाइट कलर, मम्मा हटाओ ना, ये फ्लावर को एक्वेरियम टाइप के फिश यहाँ पर यहाँ पर भी देखिए दो बटरफ्लाई फिश येलो एंड सिल्वर कलर, ये दो छोटे बटरफ्लाई वहाँ पर भी फ्लावर कलर है। यहाँ पर एक फ्लावर कलर देखिए ब्लू कलर सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट एक्वेरियम चाहिए उसके लिए, मीठे पानी में नहीं रह सकती है। नहीं यहाँ कोई बहुत बड़ा रेट है, और ज्यादा डीप सी में कोरस फॉर्म नहीं होते, 10 मीटर तक ही कोरस फॉर्म होते, उससे ज्यादा डीप सी में कोरस नहीं होते क्योंकि इनको सनलाइट चाहिए होता है, और जहाँ तक डेप्थ तक सनलाइट जाएगी वहीं तक कोरस फॉर्म होगा। अंकल ये इतना डीप है तो बड़ा कैसे दिख रहा है? बड़ा नहीं, इनका साइज वही है, एग्जैक्ट साइज है उसका, नहीं साइज का नहीं बड़ा है, जो आपको साइज दिख रहा है वही कोरल है, जिसका नाम है ये फायर कोरल है सर। उसके ऊपर देखिए जो छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट दिख रही है वो सारे रेडियम्स होती है उसके ऊपर, इसे फायर कोरल बोलते हैं। वहाँ पर भी एक फ्लावर कोरल और आप लोग जो है दुनिया पर कहीं पर भी चले जाइए कोरल्स देखने के लिए, आपको हर जगह पर अलग अलग तरह के कोरल्स मिलेंगे क्योंकि कोरल फॉर्मेशन जो होता है उस जगह का इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, वाटर में किस तरह का मिनरल्स पाया जाता है। वहाँ पर आगे मॉरीशस फिश अंदर चले, आगे जो रेड टेल बटरफ्लाई फिश कलर व्हाइट लाइनिंग है, रेड टेल बटरफ्लाई ये येलो कलर का कौन सा कोरल है? आपको जो है हर जगह पर अलग अलग तरह के कोरल्स मिलेंगे क्योंकि एक कोरल फॉर्मेशन जो होता है उस जगह का इकोसिस्टम जो, यहाँ पर देखिए ब्रेन कोरल है ये बड़ा सा, देखिए ब्रेन ब्रेन कोरल ब्रेन जो था ये सिंगल बड़ा सा वो और बड़े होंगे और पूरा कवर कर लेंगे ब्रेन की तरह था वो ऑरेंज कलर के हैं ब्राउन। वहाँ पर भी एक सिंगल कुंभ है, ये जो गोल सा दिख रहा है राउंड सा ये वाली व्हाइट कलर ये सी अमीबा है, सी अमीबा। ये जो सी कुकुम्बर्स होते हैं ये लीच के फैमिली से बिलोंग करती है, सैंड और एल्गी खाती है और सी बेड पर ऐसे ही पड़े रहती है। सी कुकुम्बर को जो एक लेजी एनिमल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है कभी खुद से मूव करते नहीं है, जब वेव्स आती है तो वेव्स उन्हें यहाँ वाले जाती है, और इसी कुकुम्बर से जो है आस्थमा पेशेंट्स के लिए मेडिसिन भी बनता है और थाईलैंड इंडोनेशिया बर्मा वगैरह में इसे खाते हैं। वहाँ पर भी बटरफ्लाई फिश नहीं ऐसे रहते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गई
ऊपर ही रहना पूरी दुनिया।